Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज स्ट्रीम हम लेसन 9 चैप्टर नेम ट्रांसपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्ट, वीडियो रोड, रेलवे, वीडियो नो और जो नेक्स्ट सावन नेक्स्ट एक रोड भी हम देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन अ रोड्स, यानी हम लोग रोड्स में डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स जो है यूज करते हैं, मतलब चलाते हैं। टू ट्रेवल विथ इन अ टाउन और सिटी वी यूज बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार्स, बसेस, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल। कह रहे कि टाउन कस्बों में और शहरों में जो ये चलते हैं व्हीकल्स वो है बाइसिकल है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार्स, बसेस, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। वेंडर्स कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन अ हैंड कार्ट्स आर ऑफ्टन सीन इन द स्ट्रीट्स। वेंडर्स जो विक्रेता होते हैं सब्जी फल बेचने वाले, वो क्या हैंड कार्ट्स आपने ठेला देखा होगा, वो आपको सड़कों पर दिखेंगे। हैंड कार्ट्स, एनिमल कार्ट्स एंड टेम्पो आर यूज टू कैरी गुड्स विद इन द सिटी। ठेला गाड़ी, टेम्पो सैकड़ इधर उधर माल ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्हीकल्स लाइक हैंड कार्ट्स, एनिमल कार्ट्स, बाइसिकल, रिक्शा डू नॉट रन ऑन फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। के लिए जो ये हैंड कार्ट्स है और एनिमल बैलगाड़ी है, बाइसिकल है, रिक्शा, ये सब क्या है जो ये फ्यूल है डीजल पेट्रोल से नहीं चलते हैं। हाउएवर दे मूव्स मच स्लोअर दैन व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस एंड स्कूटर विच यूजफुल। बट जो ये बैलगाड़ी है और ठेला, ये सब क्या है जो कार बसेस से स्लो चलते हैं, मतलब ठेला वगैरह जो स्लो चलते हैं दैन कार बस जो है तेज चलते, इसलिए ये सब जो है डीजल पेट्रोल से चलते हैं। कार एंड बसेस आर आल्सो यूज्ड टू ट्रेवल टू अदर सिटीज। कार और बसेस जो है, कार एंड बसेस आर आल्सो यूज्ड टू ट्रेवल टू अदर सिटीज। कार एंड बसेस जो है इसके अलावा भी दूसरे शहरों में भी ये ट्रेवल करते हैं। हाउ एवर मोर पीपल कैन ट्रेवल इन बसेस अनलाइक कार्स। ज्यादा लोग जो होते हैं जहाँ भीड़ होती है वहाँ क्या करते हैं लोग बस यूज करते हैं अनलाइक कार्स, कार्स की जगह बस से जाते हैं। ट्रक्स, मिल्क एंड ऑयल टैंकर्स आर यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। कह रहे कि जो लंबी दूरी तय करते हैं ये लोग, जो ये जो ट्रक है और मिल्क एंड ऑयल टैंकर, ये क्या करते हैं सामान को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी। एनिमल्स आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एट प्लेसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स। कह रहे कि एनिमल्स जो है ये भी जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं यातायात के लिए, जो डिफिकल्ट होते हैं उनको रोड पर चलने के लिए, एनिमल्स को जो है रोड पर चलने में डिफिकल्ट होते हैं। कैमल्स आर यूज इन डिजर्ट। कैमल जो है रेगिस्तान में यूज किए जाते हैं। एंड याक्स एंड मूल्स आर यूज इन हिल्स एंड माउंटेन्स। और याक जो है गाय, ये भी गाय की तरह है, और मूल्स खच्चर, ये जो पहाड़ी इलाके हैं और पर्वतों पे यहाँ ये लोग यूज होते हैं। एंड एलिफेंट्स आर यूज टू ट्रेवल थ्रू फॉरेस्ट, और एनिमल्स को जो है फॉरेस्ट जंगलों के लिए यूज किए जाते हैं। ब्लॉक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स आर मेनली यूज एज ए ट्रांसपोर्ट इन विलेज एंड स्मॉल टाउन। तो कह रहे ब्लॉक कार्ट जो बैलगाड़ी है, इक्का गाड़ी है, मेनली ट्रांसपोर्ट यातायात में परिवहन के लिए यूज किए जाते हैं गाँव में और स्मॉल टाउन छोटे शहरों में। डिड यू नो, हैव यू एवर नोटिस सम स्पेशल व्हीकल्स लाइक द पुलिस जीप्स, एम्बुलेंस एंड फायर इंजन। कह रहे हैं कि क्या आपने कभी पुलिस जीप, एम्बुलेंस और दमकल जैसे विशेष वाहनों पर ध्यान दिया है या देखा है? दीज आर इमरजेंसी व्हीकल्स, ये मतलब आपातकालीन वाहन है, इमरजेंसीज है। द पुलिस व्हीकल्स मेक श्योर दैट पीपल इन द सिटी और टाउन आर सेफ। पुलिस के वाहन जो ये सुनिश्चित करता है कि शहर के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। द एम्बुलेंस कैरीज इल पर्सन टू द हॉस्पिटल एंड द फायर इंजन पुट आउट द फायर दैट मेक ब्रेक इन डिफरेंट प्लेसेस। तो कह रहे जो एम्बुलेंस कैरी जो बीमार लोगों ने हॉस्पिटल ले जाता है एम्बुलेंस, और जो फायर इंजन कहीं आग ले जाता है, ऐसी कोई आपदा आती तो फायर जो ब्रिगेड है ये वहां जाते हैं। रेलवेज, ट्रेन्स आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ अ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। कह रहे बहुत लंबी दूरी यात्रा के लिए रेल परिवहन का जो लोकप्रिय है ये साधन है, ये लोकप्रिय साधन है, मतलब तो जो रेल परिवहन है। इट चीप एंड कम्फर्टेबल टू ट्रेवल बाय ट्रेन। ट्रेन से यात्रा करना सस्ता और आरामदायक है। इन इंडिया लाख्स ऑफ पीपल ट्रेवल बाय द ट्रेन एवरी डे। भारत प्रतिदिन लोग लाखों ट्रेन से यात्रा करते हैं। द गुड्स ट्रेन कैरी वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड। कह रही अच्छी ट्रेन मतलब यहाँ माल, गुड ट्रेन मतलब है माल वाहन ट्रेन, जो सामान ले जाती है भारी मात्रा में। आपने देखा पैसेंजर भी यात्रा करते हैं और जो गुड्स जो सामान ले जाते हैं वो दूसरी ट्रेन होती है, उसमें लोग यात्रा नहीं करते हैं। फिगर 8 में देखिए बना हुआ है पिक्चर इसका। द लोकल ट्रेन एंड द मेट्रो, तो लोकल ट्रेन एंड मेट्रो
फिगर 9 ऑल अंडरग्राउंड रेलवे हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू ट्रेवल टू दियर वर्क प्लेस और डेस्टिनेशन विद इन अ सिटी। के लिए स्थानीय ट्रेन और मेट्रो जो है रेलवे बड़ी संख्या में लोगों के एक शहर के भीतर अपने कार्यस्थल तक पहुंचाने में मदद करती है। ये ट्रेन हैज अ व्हील इंजन पावर्ड बाय स्टीम इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। कह रहे ट्रेन जो जिसमें पहिया लगे रहता है और इंजन लगे होते हैं जो भाप से और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से चलते हैं। तो भाप से तो पहले ट्रेन चलते थे, अब नहीं बेटा। इट पुल्स कोचेस एंड वैगन्स ऑन अ व्हील्स। कह रहे डिब्बों और वैगनों को पहियों पर खींचता है। द इंजन ड्राइवर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। जो इंजन ड्राइवर होता है वो ट्रेन की गतिविधि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। द ट्रेन दैट कैरीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाता है, इसे पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, मतलब यात्री ट्रेन कहते हैं। द ट्रेन दैट हैज वैगन्स टू कैरी गुड्स कोल पेट्रोल फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसका गुड्स ट्रेन। तो कह रहे कि ट्रेन जो है जिसमें डिब्बे लगे रहते हैं बहुत से और कुछ सामान को ले जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, फूड है, ग्रेन्स अनाज है, फल सब्जियां हैं, इसे क्या कहते हैं, गुड्स ट्रेन, मतलब माल वाहन ट्रेन कहते हैं। डीडी यूनो में है ट्रेन आर पावर्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे जो ट्रेन को पावर मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल से चलते हैं। स्टीम इंजन यूज अर्लियर कैन बी सीन इन द रेलवे म्यूजियम। जो भाप से चलते तो बहुत पहले चलते, तो अब आप जो इसको देखेंगे तो रेल संग्रहालय में से देखने को मिलेगा। दे आर हेरिटेज ट्रेन। तो ये हेरिटेज ट्रेन से मतलब विरासत ट्रेन है। ए सेंचुरी ओल्ड स्टीम इंजन कैन बी सीन ऑन नीलगिरी माउंटेन्स इन समर हॉलीडेज ऑन सैटरडे एंड संडे टू हेरिटेज स्टीम वेज। कहे शनि और रविवार को गर्मी छुट्टियों में नीलगिरी पहाड़ों पर एक सदी पुराना भाप इंजन देखने को मिलता है, मतलब देखा जा सकता है। लिस्ट 7 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। तो बेटा जो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कंटेंट में लिख दिया, तो क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। कह रहे हाउ आर लार्ज व्हीकल्स लाइक ट्रेन एंड बसेस इंपॉर्टेंट। कह रहे कि कैसे ये ट्रेन और बसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेन और बसेस ये अधिक से अधिक पैसेंजर्स को ले जाती है। और ट्रेन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ट्रेन से पैसेंजर्स तो हम लोग तो यात्रा करते करते और ये सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। व्हाट इज अ मेट्रो। मेट्रो क्या है, मेट्रो एक लोकल ट्रेन है। What are emergency vehicles? How are they important? आपातकालीन वाहन क्या है, कैसे महत्वपूर्ण। तो आपातकालीन वाहन आपको पता है कि जैसे अभी हमने बताया था एम्बुलेंस है आपका जो बीमार लोगों को ले जाता है, और क्या है फायर इंजन है, तो जहाँ पे कहीं आग लगता है या ऐसा कुछ होता है तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं। लिस्ट 8 में है, इसमें देखिए पिक्चर दिया हुआ है और लिस्ट 8 में है बेटा, देखिए इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और इसमें हम क्या करना है इसके बारे में लिखना। कह रहा विद इन पेयर लुक एट दिस पिक्चर्स एंड राइट वन वे इन विच दिस ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। इसके बारे में क्या करना है लिखना है ऑनलाइन। ए पैसेंजर सिप्स और एन ओशियन लाइनर। ये पैसेंजर सिप्स ओशियन लाइनर क्या करता है, इट कैरीज पीपल अक्रॉस सी और ओशियन। यहाँ लोगों को समुद्र के या सागर के पार ले जाता है। ए कार्गो शिप, ये कार्गो शिप है, इट कैरीज गुड्स अक्रॉस सी और ओशियन, ये सामान को ले जाता है। ए फिशिंग बोट, ए फिशरमैन गो टू रिवर सी और ओशियन टू कैच फिशिंग। तो जो फिशरमैन मछली पकड़ने वाले नदी और समुद्र में जाते हैं और क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। ए फेरी नौका, इट कैरीज पीपल अक्रॉस रिवर्स, या नदियों के पार लोगों को ले जाता है। ई है हेलीकॉप्टर, इट रेस्क्यू पीपल इन द सी और इन टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, या समुद्र में या प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को बचाता है। पैसेंजर्स एरोप्लेन, इट टेक्स मैनी पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, या यात्रियों को लंबी दूरी पर ले जाता है, मतलब लंबी दूरी के लिए और जल्दी पहुंचा देते हैं। जी है एंड एयर कार्गो, इट कैरीज गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, या लंबी दूरी पर सामान को ले जाता है। तो इस चैप्टर में भी और बहुत कुछ है बेटा, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।